मैथ की एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 2F। तो इसमें हमने क्या करना है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस पे आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी आपके स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, उसमें उन्होंने क्या बोला, टेंथ प्लेस बोला, तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, वंस प्लेस वाला, जो उसके टेंथ प्लेस की राइट हैंड वाली साइड वाला डिजिट उसे देखेंगे। अगर इन्होंने टेंथ प्लेस बोला मतलब ये 7 टेंथ प्लेस पे, ठीक है, तो उसके 7 वाला राइट वाली साइड वाला हम नंबर देखेंगे कौन सा, वंस पोजिशन वाला, ठीक है। हमेशा ऐसे करना, अगर 100 बोला तो उसके 7 वाला कौन सा है, टेंथ, तो हम टेंथ देखेंगे। अगर 1000 बोला तो उसके 7 वाला कौन सा है, 100। तो ऐसे जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, द वंस प्लेस डिजिट, जो वंस प्लेस डिजिट इसमें कौन सा 8 है, वो आप चेक करोगे 5 से बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है। इसमें एक रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ठीक है, अगर कोई भी नंबर, टेंथ प्लेस की बात करते हैं, अगर ये वाला नंबर आपका जो वंस प्लेस, टेंथ में हम वंस प्लेस चेक करते हैं ना, अगर ये वाला नंबर आपका 5 से बड़ा है, ठीक है, या फिर 5 से इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, जो टेंथ प्लेस उन्होंने बोला हुआ उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और इसकी प्लेस पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। तो ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, ऐसे ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 23 आएगा। नेक्स्ट है, अगर ये नंबर, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये नंबर आपका जो वंस प्लेस पे है वो 5 से स्मॉल है, छोटा है, तो हम इसमें कोई भी टेंथ प्लेस में कोई भी चेंज नहीं करते, लेकिन इसकी प्लेस पे 0 ही लगाएंगे। ऐसे अपना फर्स्ट सम देखो आप, द वंस डिजिट इज, वंस डिजिट यहाँ पे कौन सा 8, अब 8 हमें मालूम है कि 5 से बड़ा है, तो ये कौन से किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, आप देखो 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, 6 भी सेम है, उन्होंने टेंथ प्लेस बोला, तो टेंथ प्लेस कौन सी आपकी 7, 7 में क्या चेंज आएगा, हमने क्या बोला था, अगर वो 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा, तो उसमें क्या कर देंगे हम, 1 ऐड कर देंगे, 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 आ जाएंगे, और वंस प्लेस की जगह पे क्या लग जाना है, 0 लग जाना है आपका। ऐसे ही अगर आप बी पार्ट देखो, ठीक है, इसमें भी आपकी डाउट क्लियर होगी। बी पार्ट में देखो, जो आपका वंस प्लेस वाला नंबर वो क्या है, 2 है, 2 और 5 से छोटा है, तो बाकी सारे डिजिट वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल है, तो हमने क्या बोला कि वन दो टेंथ प्लेस वाला आपका डिजिट उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी 9 का 9 ही रहेगा, लेकिन 7 वाला क्या, पीछे वाला हमेशा क्या आते रहेंगे, 0 0 ही आते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक और सम देखें, मे बी जिसमें 5 आता है, अब यहाँ पे आप सम देखो अपना ई पार्ट, जिसमें जो आपकी वंस प्लेस डिजिट है वो क्या 5 के इक्वल है, अगर 5 के इक्वल है तो भी हम टेंथ प्लेस में 1 ऐड करते हैं, अगर 1 ऐड करो तो ये क्या बन जाता आपका, 10 बन जाता, तो हमने कैसे लिखा, 1 6 7 8, ये सारे एज इट इज़ ही हैं, यहाँ पे एक ऐड करोगे 10, तो हम 10 ऐसे ही डालेंगे ना, 1 0, ठीक है, तो पीछे वाला तो ऑलरेडी हमारा 0 ही आना है।